सफाई गजानन समिति पालकी उत्सव 2023 की शुरुआत। टीम की तीन खंबा नागपुर से रामटेक पहुंची। समिति का मुख्य संचालन अनूप दादा गुप्ता इनके द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2008 से पालकी रामटेक वारी की शुरुआत हुई है, जिसमें करीब 350 से अधिक लोग इस पालकी में हिस्सा लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी श्री संत गजानन महाराज की पालकी यात्रा 3 जनवरी को टिमकी तीन खंबा नागपुर से रामटेक पहुंची। समिति का मुख्य संचालन अनूप दादा गुप्ता इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से संत गजानन महाराज सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष यह पालकी यात्रा निकाली जाती है। इस पैदल पालकी यात्रा का नगर आगमन होते ही भव्य स्वागत किया जाता है। इस भव्य पैदल पालकी शोभा यात्रा में गजानन महाराज की पालकी यात्रा का मुख्य संचालन अनूप दादा गुप्ता, इनके छोटे भाई सनत गुप्ता सहित तमाम गजानन भक्तों ने हाथ में ध्वजा लेकर किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं कतारबद्ध तरीके से पालकी शोभा यात्रा में अनुशासित होकर गजानन महाराज के भजन कीर्तन एवं जय घोष करते हुए शामिल हुई, जिससे शहर का पूरा वातावरण मानो गजानन महाराज के जय घोषों से गूंज उठा। इस दौरान शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह पालकी शोभा यात्रा में शामिल गजानन भक्तों को पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। शुक्रवार को यह पालकी रामटेक पहुंची। इस दौरान पूरा परिसर ही गन गन गनात बोते और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि रामटेक पहुंचते ही रामटेक में भव्य अभिषेक हवन कीर्तन एवं गोपाल काला का आयोजन किया गया था, जिसका बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने लाभ उठाया। NBC News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित हरोडे।